हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओफ्रॉन आई एंड ईयर ड्रॉप्स के बारे में। तो ये रहा ओफ्रॉन आई एंड ईयर ड्रॉप्स। तो इसके क्या यूज हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसके क्या प्राइज हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले हर रोज़ की तरह रिक्वेस्ट रहती है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा इस ड्रॉप के बारे में और इस टाइम जो आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस चल रहा है तो उसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, ओफ्रॉन जो ड्रॉप है इसमें जो साल्ट है वो कौन सा है। तो इसमें जो साल्ट है फ्रेंड्स, ओफ्लॉक्सासिन, और ये ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशन है। आई पी का मीन्स होता है फ्रेंड्स इंडियन फार्माकोविया। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। तो फ्रेंड्स, जो ओफ्लॉक्सासिन है इसकी जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो 0.3% वेट बाई वॉल्यूम, और इसमें जो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है वो है बेंजोलियम क्लोराइड सोडियम, वो सॉल्यूशन। तो इसकी जो वैल्यू फ्रेंड्स वो 0.02% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, ये तो इसका जो साल्ट था, इसमें ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, तो ये एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है फ्रेंड्स। जो भी आँखों की जो आपकी समस्याएँ होती हैं, जैसे कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो कंजक्टिवाइटिस में काफ़ी अच्छा काम करता है ये, बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आता है फ्रेंड्स इसका। बात करें दूसरे यूज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स जैसे पिंक आई, जो पिंक आई चल रहा है इस टाइम पर, आई फ्लू चल रहा है, पिंक आई और आई फ्लू दोनों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रिजल्ट काफ़ी बेटर मिल रहा है फ्रेंड्स। काफ़ी पेशेंट में इसका देखा गया है, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिला है। मैंने भी कई पेशेंट के डाला है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छे से रिकवर हुए हैं, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ही रिकवर कर रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी रिजल्ट बेस्ट है। मैंने काफ़ी इसको अजमाया है फ्रेंड्स इस टाइम पर, 100+ सेल किए मैंने पर डे के हिसाब से, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो रिज़ल्ट काफ़ी बेस्ट मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर किया गया लीफोर्ड फार्मा द्वारा। तो लीफोर्ड अब इस टाइम पर काफ़ी अच्छी उठ रही कंपनी, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट है फ्रेंड्स। इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि किसी की आँखों में बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो पानी निकलते टाइम भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करना, मतलब रिजल्ट देता है ये ड्रॉप। तो आँखों में पानी के टाइम पर भी आप इसे दे सकते हो फ्रेंड्स। किसी को मतलब लाल आंखें हो रही हैं फ्रेंड्स, अब लाल आंखें किसी वजह से हो सकती है, जैसे कि आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस टाइम पर भी आपकी लाल आंखें हो सकती हैं फ्रेंड्स। और एक रीज़न और है फ्रेंड्स, अगर आप रात को सोए नहीं पाए, मतलब सो नहीं पाए अच्छे से, फुल्ली स्लीप नहीं कर पाए, तो उस टाइम पर भी आपकी लाल आँखें होना स्वाभाविक है। और फ्रेंड्स, एक रीज़न और है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वगैरह पड़ रही है, या फिर कहीं आप बाइक पर जा रहे हैं, तो आपको कहीं मतलब जो आपके जो कूड़े के पार्टिकल होते हैं, धूल के कण होते हैं, तो वो आपकी आंखों में गिर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी लाल होना हो, मतलब आंखों का स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, तो उस टाइम पर भी ये डस्ट को बाहर करता है, जो आपकी धूल जाती है अंदर, तो उसको भी बाहर करने में काफ़ी मदद करता है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों की आँखों में बहुत ज़्यादा कीचड़ निकल रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छे से काम करता है फ्रेंड्स। कीचड़ में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है कोई आँखों में, कंजक्टिवाइटिस हो, या फिर किसी और वजह का कोई इन्फेक्शन हो, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन हो, तो उस टाइम पर ये काम करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हैं उनमें और ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। एंटीबायोटिक्स हैं जो ओफ्लॉक्सासिन है, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे से किल करता है फ्रेंड्स, तो रिजल्ट काफ़ी बेस्ट है फ्रेंड्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें, आई हम्बल रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल भी ठीक नहीं करता है फ्रेंड्स। ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए काम आता है फ्रेंड्स। तो ये तो इसके यूज़ थे, अब बात करते हैं इसके डालने का, मतलब कैसे डालना है इसे, हाउ टू यूज़ कैसे करें। तो इसको फ्रेंड्स 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम और 2 बूंद दोपहर को भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है उस टाइम पर तब। और फ्रेंड्स, अगर किसी जैसे 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो फ्रेंड्स 1 बूंद सुबह और 1 बूंद दोपहर को और 1 बूंद शाम के लिए, तीनों टाइम आप डाल सकते हैं, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है इसका, तो कन्फर्म है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसे डालने के बाद मतलब आपकी आँखें इरीटेट होना, बहुत ज़्यादा ईचिंग होना आँखों पर, आँखें और ज़्यादा लाल हो जाना, या फिर आँखों से एकदम पानी बहुत ज़्यादा निकलना, तो ऐसी कंडीशन में आप प्लीज़ अपने इसे अवॉइड कर दीजिएगा, तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर को दिखाएं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के इस टाइम पर कोई भी मेडिसिन या ड्रॉप ना लें फ्रेंड्स, आँखों की हैं, आँखें हैं तो जहाँ है वरना दुनिया वीरान है। तो फ्रेंड्स, आँखें हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितना भी सुख हो आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप देख नहीं सकते, आप देखते हैं तभी आप महसूस करते हैं किसी चीज़ को अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आँखों के लिए ये आँखों के पीछे बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें किसी भी चीज़ का, जो इस टाइम पर कंजक्टिवाइटिस चल रहा है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा किसी मेडिकल स्टोर पर आप खुद में जाकर ना लें, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप किसी डॉक्टर से लिखवा लीजिएगा,
तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। ये मैंने ऑफ्लॉक्सेसिन इसमें सिंगल है और इसमें कुछ डेक्सामेथासोन साथ में आ रहे हैं, उसके लिए मैंने अभी मना कर रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि उसे आप ज़्यादा ना लें, क्योंकि जो डेक्सामेथासोन वगैरह जो बीथामेथासोन स्टेरॉयड है उनसे आँखों की रोशनी जा रही है फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स में आया है ऐसा कहने में आया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अभी अवॉइड कर दीजिएगा जो स्टेरॉयड ड्रॉप है, ये है ये आप ले सकते हैं वो भी डॉक्टर की देख रेख में। तो जो भी कोई ड्रॉप लें तो आप एक बार डॉक्टर से मिल लें उसके बाद लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। और आप डायरेक्टली किसी ड्रॉप को यूज़ ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स आँखें हैं बहुत ही ज़्यादा नाजुक चीज़ है, तो आपके साथ कोई भी ट्रेजडी ना हो फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं इसके, ये तो साइड इफेक्ट होगा, इसके लास्ट में प्राइस के रूप में बात करते हैं, इसके प्राइस कितने हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो प्राइस है बहुत चीपेस्ट प्राइस है, आपको 30 रुपये में किसी मेडिकल स्टोर मिल जाएगा फ्रेंड्स, और इसकी MRP भी 30 रुपये ही है। अगर इस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा फ्रेंड्स ड्रॉप का बिकना हो रहा है तो 30 का ही दे, लेकिन उस कुछ दिन पहले अगर आप इसे ले सकते थे तो 20 का भी मिल जाता था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा रिव्यू था ओफ्रॉन ड्रॉप के बारे में, ओनली ओफ्रॉन है, डी नहीं है। डी में क्या होता है, स्टेरॉयड होता है, डेक्सामेथासोन होता है फ्रेंड्स, डी नहीं है, केवल ओफ्रॉन है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा रिव्यू था ओफ्रॉन ड्रॉप्स के बारे में, आपको वीडियो आशा करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स, थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर आपको मिली होगी। अगर फ्रेंड नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ एक बार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो चैनल हमारा सब्सक्राइब करते हैं इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें एक मतलब अंदर से एनर्जी जनरेट होती है वीडियो बनाने की। अगर फ्रेंड्स आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, इससे क्या लगता है कि ना लाइक से व्यू आते हैं ना फिर इसमें कोई कमेंट आते हैं फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि वीडियो हमारा बनाना बेकार है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो आप ही के लिए बनाते हैं, नॉलेज आपके लिए देते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि आप थोड़ा अच्छे से देख लें वीडियो के लिए और लास्ट तक वीडियो को देखें, पूरा वीडियो वॉच करें, इससे क्या होता है कि नॉलेज भी आपको ही मिलेगी फ्रेंड्स और हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स तो ये तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है आपसे फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स इसको कंजक्टिवाइटिस टाइम पर अभी मैं कुछ बोलना चाहूँगा साफ़ सफाई को लेकर फ्रेंड्स, जो साफ़ सफाई है प्लीज़ अपनी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि साफ़ सफाई आप अगर नहीं रखेंगे उससे क्या है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपता है फ्रेंड्स गंदगी में। और फ्रेंड्स आप जान नहीं रहे हैं कि इस टाइम पर जो बारिश का मौसम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजर रूप ले रहा है, क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा बारिश में वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही बहुत जल्दी पनपते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें नमी की ज़रूरत होती है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को पनपने के लिए नमी की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, या फंगस इन्फेक्शन हो सबको नमी की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स बारिश में नमी तो आप जानती है कितनी होती है, हर जगह नमी होती है, आप देखेंगे अगर आप कपड़े भी अगर सूख नहीं पाएँ धूप ना मिले तो उनमें भी एक स्मेल आने लगती है, तो फ्रेंड्स ये तो स्किन है और फिर यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स मेरी यही गुजारिश रहेगी कोशिश करना आप ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखें। तो एक छोटा सा रिव्यू था ओफ्रॉन ड्रॉप के बारे में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।